अयोध्या में राम मंदिर के लिए हो रहे भूमि पूजन को लेकर गर्म उमरिया स्थित मंदिर में जश्न मनाया जा रहा है। यहां मंदिर को सजाया गया है, साथ ही भजन कीर्तन कर कार्यक्रम भी किया जा रहा है। महू के ग्राम उमरिया में स्थित 109 साल पुराने मंदिर को भव्य रूप से भक्तजनों ने सजाया है। मंदिर में रामायण का पाठ भी किया जा रहा है, साथ ही सभी महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं। लोगों में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने ढोल ताशे की धूम पर नाचते गाते नजर भी आए। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। 500 वर्षों से राम मंदिर का काम अधूरा रुका हुआ था और शासन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज भूमि पूजन माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ शिलान्यास। इसी को देखते हुए और पूरे देश भर में, पूरे विश्व में आज राम धुन के साथ, पूरे हर्ष उल्लास के साथ राम मंदिर निर्माण के कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ बनाया जा रहा है। इसी प्रकार महू तहसील के महू विधानसभा के क्षेत्र राम उमरिया में भी हम सभी युवाओं ने और ग्रामवासियों ने मिलकर बड़ी उत्साह के साथ दो दिन से तैयारियां लगातार करके अपने कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार पूरा तैयार किया गया है। मंदिर का निर्माण कर सुंदरकांड और एक किया गया है, मंदिर को सजा सिंह के पालन के अनुसार पूरा ढोल बाजे के साथ आसपास यात्रा के अनुसार सभी को सूचित करके यात्रा निकाली गई और मिठाई लड्डू बांटकर फटाके फोड़कर उत्साह के साथ मंदिर के निर्माण की खुशी जताई जा रही है। सभी देशवासियों को मंदिर के भव्य निर्माण, मंदिर के हार्दिक शुभकामनाएं। राहुल सिंह ठाकुर, युवा पंच उमर। जो है 109 साल पुराना है और यहाँ पे आज जितनी खुशी पूरे गाँव के अंदर और सभी में है वो पहले कभी नहीं देखी गई, क्योंकि आज जो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है तो पूरे गांव के अंदर इतनी खुशियां हैं। और रात को भी सुंदरकांड चला, हम रात भर से भजन कीर्तन में ही लगे हुए हैं। हमारी सारी टीम, पूरे गांव के युवा सभी लगे हुए हैं और बहुत हर्षोल्लास से महिलाओं ने और इनने भी बहुत सहयोग किया। जुलूस ये अपने कलेक्टर साहब के आदेश अनुसार ही हमने काम किया, जैसे ढोल वगैरह लिया था, ढोल बाजे, क्योंकि हमने देख लिया था कि कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है तो उस हिसाब से हमने कानून का पालन करते हुए सारा काम किया। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शोभाराम ठाकुर।